नमस्कार, आप देख रहे हैं तेजस 24 न्यूज और मैं हूं आपके साथ कीर्ति सिंह। आइए नजर डालते हैं खबर की ओर। कन्नौज शहर के हाजीगंज क्षेत्र के अंतर्गत नगर कोड स्थित अगरबत्ती कारखाने में संदिग्ध कारणों से आग लग गई। इससे कारखाने में रखे अगरबत्ती समेत कई उपकरण जलकर बर्बाद हो गए। कारखाना मालिक सफदरगंज मोहल्ला निवासी अनवर हुसैन को जब कारखाने में आग लगने की जानकारी मिली तो उनके होश उड़ गए। आनंद फानन में अनवर हुसैन अपने पुत्र साजीब हुसैन के साथ कारखाने पहुंचे और आग पर काबू पाया, लेकिन तब तक कारखाने में आग से काफी नुकसान हो चुका था। वहीं साजीब हुसैन द्वारा बताया गया कि इससे पूर्व भी दो बार कारखाने में आग लग चुकी है। उन्होंने ऐसी आशंका जताई कि किसी अज्ञात व्यक्ति की इसमें शरारत हो सकती है। उन्होंने बताया कि इस आगजनी की घटना में उन्हें 1,00,000 से अधिक नुकसान हुआ है। कन्नौज से शिबू सैनी की रिपोर्ट। क्या हो गया भाई यहाँ पे? आग लग गई थी यहाँ, अगरबत्ती कारखाना है हमारा। आपको कैसे जानकारी मिली? हम सुबह यहाँ से 11 बजे गए नमाज पढ़ने के लिए जुमे की, और जुमे की नमाज पढ़ के 12:45 बजे आए तो फिर ये सब धुएं धुआं था यहाँ, पूरी आग लगी हुई थी। आग के दौड़े ये लोग सब दौड़े तो ये सब था, पूरा जल गया था सब कुछ। अवन अगरबत्ती ये सब बना बनाया माल था, अवन थे, और भी नुकसान हुआ बिजली का, लाइनिंग फाइनिंग। आज पहली बार ये हुआ? ये 10 दिन में 12 दिन में तीसरी बार ये लगी है यार। अच्छा, कितने तक की नुकसान हो गया होगा आपका? नुकसान हो गया कम से कम लगभग 1,00,000 के ऊपर ही हो गया होगा। ऐसी खबर से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहिए तेजस 24 न्यूज।